तो चलिए क्लास, हम लोग अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर टू है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि डू यू रिमेंबर द नर्सरी रैम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो भैया याद है हम लोग सबको, है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्टेरी नाइट्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड अस सिंस द चाइल्डहुड। यू मे ऑल्सो हैव थॉट ऑफ दिस स्टार्स एंड हैड न्यूमरस क्वेश्चंस इन योर माइंड। कि बचपन से हम लोग रात को जब देखते हैं आकाश की तरफ तो बहुत सारे तारे दिखते हैं और हम लोग उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, बहुत कुछ स्टोरीज आती है, बहुत तरह का इमेजिनेशन आता है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन सच इज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो हम जानते हैं कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स है। हाउ डिड दे कम इन टू एग्जिस्टेंस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका ऑरिजिन कैसे हुआ, वो कैसे अस्तित्व में आए, एग्जिस्टेंस में कैसे आए। कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, ये तो एक और अजीब क्वेश्चन है कि स्काई लिमिटलेस है ना, उसके ऑरिजिन को उसके एंड तक नहीं पहुंचा जा सकता है। मे बी मेनी मोर सच क्वेश्चन आर स्टिल देयर इन योर माइंड। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ दिस ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स वेयर फॉर्म्ड। विद दैट यू विल इवेंचुअली ऑल्सो रीड द स्टोरी ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि कैसे जो लिटिल स्टार्स है वो ऑरिजिन में आए, उनका फॉर्मेशन हो गया, और जानेंगे कि हमारे अर्थ का ऑरिजिन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देख लेते हैं कि बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना थियरीज दिया अबाउट ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहे हैं देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना थियरी दिया। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्गूमेंट्स वॉज बाय जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांट। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, इन्होंने अपना सबसे पहला दिया था। मैथमेटिशियन लैपलेस रिवाइज्ड इट इन 1796। जो लैपलेस वो